गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप मेरा व्लॉग देखिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा मेरे हिसाब से। और आप सोच रहे हैं मैं दुल्हन की तरह क्यों रेडी हुई हूँ, तो आज ये मैं दिखा रही हूँ अपना दिवाली लुक इन मैरून कलर विथ वाइट स्टोन ज्वेलरी एंड बैंगल्स। आप मेरा लुक देख के कमेंट करके बताइएगा कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। मैं तो अपने आप को हमेशा ही प्रिटी और ब्यूटीफुल समझती हूँ लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी साड़ी, मेरे ज्वेलरीज, मेरा मेकअप आपको कैसा लगा। और जिनको पसंद आया है आप बिल्कुल इस तरीके से दिवाली में शाम को तैयार होकर पूजा कर सकते हैं या पार्टी में भी जा सकते हैं। मैं बिल्कुल दुल्हन की तैयार तैयार हुई हूँ, इसलिए मैं इसी लुक में मैंने करवा चौथ के लिए शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने गेट रेडी विथ मी किया है। और शॉर्ट वीडियोस काफ़ी अच्छे मेरे चले हैं, बस व्लॉग डालने में काफ़ी लेट हूँ मैं। तो करवा चौथ तो नहीं बट दिवाली के लिए आप ये लुक बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं और बहुत बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे बहुत पसंद आया था एक्चुअली, मेरी मम्मी को भी। मैं इतने दिन से साड़ी पहन रही हूँ वीडियोस के लिए लेकिन जब मैं इस तरीके से तैयार हुई मेरी मम्मी को बहुत पसंद आया। तो आपकी मम्मी, सासू माँ, घर में जो भी बड़े हैं शायद उनको भी अच्छा लगे। ट्रेडिशनल लुक है और थोड़ा सा मॉडर्न टच भी दे रहा है क्योंकि मैंने वाइट स्टोन की ज्वेलरी पहनी है इसमें। तो मैं कर रही हूँ फटाफट से अपना मेकअप क्योंकि हर मेकअप के स्टेप में मेरे को शॉर्ट एक क्लिक लेना था। और आप देख सकते हैं बीच बीच में फ़ोन मेरा आ रहा है कैमरा क्योंकि मेरा वीडियो शूट स्टार्ट था करवा चौथ के लिए जो कि अपलोड हो चुका है, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें अच्छे से आपको मेरा फुल लुक दिखने को मिलेगा। और कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपको कैसी लगी, मेरा लुक आपको कैसा लगा। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं कैसी लगी, इम्पॉर्टेंट ये है कि लुक कैसा लग रहा है, क्या आप वैसे रेडी होंगे तो कैसा लगेगा। तो मुझे लगता है कि हर किसी में बहुत ही अच्छा लगेगा ये लुक। तो फटाफट से आप भी दिवाली की तैयारियों में लग जाइए। सबके घर में साफ़ सफाई तो चल ही रही होगी, हमारे घर में भी बहुत काम रहता है पर मैं वीडियो के लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैं रेडी होने से पहले मैंने पहन ली है साड़ी और ये है मेरा वो वाइट स्टोन नेकलेस। तो आप देखिए सिंपल हूँ मैं, मैंने कुछ नहीं किया, बस मुँह पे हाँ मेकअप होते हैं और मैंने ज्वेलरी कुछ भी नहीं पहनी और लिया एक छोटा सा क्लिक। यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस भी बन रहे थे, नीचे सामान एकदम फैला रहता है जब वीडियो बनता है इसलिए ऊपर ऊपर से लेना होता है। और ये साड़ी बहुत ही प्रिटी लग रही थी मुझे और बनारसी नहीं है, सिल्क टाइप में कुछ है, बनारसी टच है इस साड़ी में तो बनारसी लग रहा है। तो दुल्हन का लुक जो है अच्छे से आ रहा है उसमें। तो ये मैंने पहन लिया अपना नेकलेस और ईयरिंग और काफ़ी हैवी नेकलेस पर काफ़ी प्रिटी भी है हैवी के साथ साथ। और मैं अपने लुक के साथ बहुत खुश थी। और यहाँ पे मैं अपना टीका सेट कर चुकी हूँ। टीका सेट करते हुए आप सोचते होंगे मेरा कभी भी नहीं दिखता, वो इसलिए क्योंकि मैं लेती हूँ अपनी मम्मी की हेल्प और मम्मी मेरी वीडियोस में नहीं आती हैं, अपना फेस नहीं दिखाती हैं। तो ये मेरा वीडियो शूट हो रहा है, ये सारे शॉर्ट्स के लिए भी हो रहे थे और ब्लॉग्स के लिए भी, ताकि मेरा दिवाली लुक भी हो जाए एक। और भी मैं आगे अपने लुक्स दिखाऊंगी दिवाली पार्टी के लिए, ट्रेडिशनल लुक। और ये है आरती की थाली जो कि करवा चौथ के लिए भी था, करवा चौथ में थाली लेके शॉर्ट वीडियो बनाने थे तो मैंने यहीं पर ओपन किया था। ये मुझे आई थिंक 200 में मिला था, आपको कितने में मिला था मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें सब कुछ था, ये कपूर दिखाने के लिए और रक्षा सूत्र और सिंदूर रखने के लिए डिब्बी जो कि ढक्कन लगे हुए थे। इस थाली को लेने के दो फायदे हैं, आप इसको दिवाली में भी यूज़ कर सकते हैं और करवा चौथ में तो किया ही किया है शॉर्ट वीडियो में। एक्चुअली करवा चौथ के लिए व्लॉग नहीं हो पाया, इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि टाइम नहीं था एडिट करने का मेरे पास। तो यही लुक में मैंने शॉर्ट वीडियो ले लिया, करवा चौथ का काम हो गया, वैसे ये है दिवाली लुक हो गया। तो यहाँ पे चल रहा है मेरा फ़ोटोशूट, आप जहाँ आप पक्का से मेरा शॉर्ट वीडियो देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें आई डोंट नो उतना समझ आएगा नहीं लेकिन करवा चौथ का वीडियो काफ़ी अच्छा शूट हुआ था, मैं बहुत हैप्पी थी अपने शूट से, अपने फ़ोटोज़ से। एकदम फ्रेम कराने लायक फ़ोटो हैं, मैंने कोई भी फ़ोटो स्पेस खाली करने के लिए डिलीट नहीं किया है अभी तक। तो और आजकल मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, सुबह 5 बजे उठती हूँ, रात के 2-2 बजे तक सोती हूँ क्योंकि इसमें छठ भी है, दिवाली भी है और सब कुछ दिखाना है। तो आप कमेंट करके बताइए कि मेरी मेहनत आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू।